कर रहे हैं, जो कि इसने लिख दिया है, जागरूकता पे, अवेयरनेस पे। अवेयरनेस का डिटरमिनेंट क्या है, कैसे आप मानेंगे कि आप अवेयर हैं, क्या आप अवेयर हैं? अवेयर होने की, हर आदमी अपने को हीरो समझ रहा है, समझ रहा है ना। पेरेंट्स की बात नहीं मान रहा, टीचर की बात नहीं मान रहा है, उसको ये लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो परफेक्ट है, और बाद में जा करके खाई में भाई कचरा कहाँ फेंकते हैं, और समाज आपको कचरा समझती है। क्योंकि जॉब कितने को लगते हैं, कितने परसेंट लोग सफल होते हैं आप बता सकते हैं? आपके अंदाज में 1%। हाँ ठीक है, बोलिए ना, बताओ कितने प्रतिशत लोग आपकी नज़र में सफल होते हैं? आपने कहा 1%, 1% लोग सफल होते हैं। सफलता का क्या रेशियो है, आपको क्या लगता है कि एक क्लास रूम में पढ़ने वाला, या ये तो मैं आपको बता दूंगा कि हर बच्चा ये सोचता है कि मैं कुछ बन जाऊंगा, लेकिन वो ये सोचता है धोखे में बन जाऊंगा, या तो वो धोखे में है या वो समझ नहीं पा रहा है सही से मामले को। और हर बच्चे में क्षमता जरूर है कि वो कुछ भी बन सकता है, दोनों चीज को समझिए। अगर एक क्लास में 100 स्टूडेंट है या 180 स्टूडेंट है, तो ऑन एन एवरेज 2-3 स्टूडेंट सफल होंगे, मतलब अच्छे पोजीशन पे जाएंगे, लेकिन वो 2-3 स्टूडेंट होने की संभावना सबकी है, वो प्रोबेबिलिटी सबकी है। जब मैं हो गया, मैं सबसे वीक था, मैं सबसे कमजोर स्टूडेंट था, तो क्लास में जो सबसे बेवकूफ है, जो सबसे कमजोर है, उसके भी बनने की संभावना उतनी ही है। बट बनेगा कौन, ये डिटरमाइन कौन करेगा, इसका डिटरमिनेंट कैसे होगा कि सफलता की ओर अग्रसर कौन है, अवेयर सही में कौन है? क्या आप बड़ी बड़ी बातें कर ले रहे हैं? नहीं, मैं तो बहुत जागरूक हूँ, आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, नहीं मैं पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे तो ये कर जाना है, नेट की तैयारी, और करते भी हैं लोग, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 6 महीना, उसके बाद फिर जो नेचर है, बेसिक इंस्टिंक्ट है, वही अपना पुराना वाला, अपना रात में चैट वैट शुरू है, ठीक है, तैयारी वाला चैट चल रहा है, कर रहे हो तैयारी? हाँ कर रहे हैं, कितना पढ़े, नौकरी तो मिल ही नहीं रही है, और सो मैनी एक्सक्यूज कि भैया माता पिता हमें नहीं पढ़ा पा रहे हैं, और टीचर नहीं मिले, बहुत दिक्कत है, सिचुएशन हमारी ऐसी नहीं है, मेरे घर में रूम नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, और खाने पीने के लिए सही से सुविधाएं नहीं है, हजार तरह की बातें है ना। लेकिन कामयाबी पाने वालों का क्या, ये इन सब में रहता है क्या? ये सब डायमेंशन है। कपड़े के कारण कोई लड़का आईएएस ना किया हो, कोई लड़का खाने पीने की कमी के कारण आईएएस नहीं किया हो, कमरा अच्छा नहीं है, चूता है बारिश में, उसके कारण आईएएस नहीं किया हो, यहाँ तो कमरे नहीं है, कितने को आईएएस कर गया, कचरा चुनने वाले लड़के ने आईएएस किया है, पेपर बेचने वाले लड़के ने आईएएस किया है, रिक्शा चलाने वाले के बच्चे ने आईएएस किया है। तो अवेयरनेस का लेवल कहाँ पे है, आप कैसे समझेंगे आप अपने बारे में कि आप अवेयर हैं और आप सही रास्ते पे चल रहे हैं? बात सही है कि नहीं? क्योंकि हर आदमी स्यूडो कॉन्शसनेस में है। स्यूडो कॉन्शसनेस का मतलब झूठी चेतना। जब 99% लोग असफल हैं तो हम क्या माने, यानी 90% लोग ऑन एन एवरेज जीत हो रहे हैं कि वो आईएएस करेंगे, पीसीएस करेंगे, या कुछ अच्छा कर जाएंगे जीवन में, लेकिन हमें लगता है कि वो झूठी चेतना में है और वो कभी कुछ नहीं बन पाते। उसकी रीजन क्या है, क्या वजह है बताइए। अवेयरनेस का लेवल कैसे पता चलेगा कि कौन अवेयर है, कौन कामयाबी की तरफ चल रहा है? हाउ विल यू डिटरमीन द अवेयरनेस लेवल और कॉन्शसनेस लेवल कि तुम जागरूक हो? देखिए, आपका जो अवेयरनेस लेवल है उसको आप मेजर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप जो इल्म सीखते हैं या आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, या सामने वाला आपको जो चीज़ दे रहा है,
अगर आप उसको ले रहे हैं और आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? नहीं आई? यानी अगर टीचर बोल रहा है कि तुम 2 घंटा पढ़ो और आप दो, बात सबको समझ में आ रही है, हाँ सही बोल रहा है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ कितने रहे? 2%, 4%। जो पढ़ रहा है उसका अवेयरनेस लेवल हाई है, यानी वो रिसीव कर रहा है। समझ में आ रही बात? अगर टीचर कह रहा है, सपोज आपको कह रहा है कि भाई आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आप वॉकिंग कीजिए, डॉक्टर कह रहा है डायबिटीज है तो वॉकिंग कीजिए, लेकिन डॉक्टर पता है, डॉक्टर भी वही कह रहा है जो एक गाइड हर लाइन में अपने अपने लोग कर रहे हैं। डॉक्टर बोल रहा है 100 मरीज को वॉकिंग करने के लिए, तो 30 कर रहा है, 70 नहीं कर रहा है। अब आप बताइए किसका अवेयरनेस लेवल हाई है? यानी जो आपको कहा जा रहा है अगर आप वो कर रहे हैं, इसका मतलब आप अवेयर है, आप पहुंच रहे हैं गोल तक। वही लोग अनसक्सेसफुल हैं लाइफ में जो सामने वाले की बात नहीं मान रहे हैं। सामने वाले का मतलब कोई चाय वाला, गेहूं वाला नहीं, धान वाला नहीं, यानी जिसके पास आप आते हैं कुछ सीखने, तो जब आप सीखने आते हैं तो आप उसकी बात को मानिए। समझ रहे बात को? अगर वो कहता है कि ऐसे करो, सुबह पढ़ो, ये चीज ऐसे पढ़ो, इसको वैसे, और आप उसको फॉलो कर रहे हैं, क्यों? कि वो सक्सेसफुल है। वो एक सफल व्यक्ति आपको सही रास्ता बताएगा, और वो बता रहा है और आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अवेयर हैं। इसका मतलब है कि झूठे अवेयर नहीं है, शूडो कॉन्शसनेस नहीं है, झूठी चेतना नहीं है। झूठी चेतना क्या है? रमेश है और संतोष है, रमेश वही कर रहा है जो उसके टीचर बोल रहे हैं। उसके टीचर बोल रहे हैं कि तू जीके पढ़, तू आईएएस की तैयारी कर, एनसीईआरटी पढ़, ये पढ़, और वो पढ़ रहा है। और संतोष बोल रहा है अभी नहीं, 1 महीने बाद पढ़ूंगा। संतोष अनअवेयर है। संतोष प्रिटेंड के दे आर स्मार्ट, संतोष इज स्मार्ट, बट संतोष स्मार्ट नहीं है, रमेश स्मार्ट है। स्मार्ट किसे कहते हैं? जो एक खास सिचुएशन में एक खास समय में अपना रोल परफॉर्म करे। अब बीए आज करना है, अब बीए की किताब आज पढ़नी थी, टीचर ने आज बताया था, लेकिन 3 साल बाद पढ़ रहे हैं, आप कितने पीछे चले जाएंगे? क्या आप सफल हो पाएंगे कभी? बात समझ में? स्मार्ट किसे कहते हैं? उसी सिचुएशन में आपको रोल परफॉर्म करना है, उसी टाइम में। ऐसा नहीं कि रमेश ने तो काम कर लिया जब कहा गया, और संतोष ये सोच रहा है कि एग्जाम के तो अभी 4 महीना है, एग्जाम आएगा तो 1 महीना पहले कर लेंगे, हम तो संतोष से बहुत तेज हैं। तो इसका मतलब ये है कि रमेश अनअवेयर है। अब आप अपनी अवेयरनेस के लेवल को नाप सकते हैं। अगर आप गाइड को, टीचर को फॉलो करते हैं एज इट इज, जैसे वो बताते हैं, तो आप सफल होंगे और आप अवेयर हैं। तो हम में से कितने प्रतिशत लोग हैं भारत में या हमारे क्लासरूम में जो टीचर की बात को मानते हैं? कितने हैं? बहुत कम है, लेकिन समझते वो भी बहुत स्मार्ट है अपने को, बट एक्चुअली वो स्मार्ट नहीं है। यही वो लोग हैं जो बाद में मजबूरी में ठेला उठाएंगे आलू का, प्याज का, लेके निकलेंगे मार्केट, कोई कहीं छोटी मोटी दुकान खोल लेंगे पान का, गुटखा का, क्योंकि आईएएस पीसीएस नहीं कर पाए और साधन भी नहीं है, तो क्या कर पाएंगे? और वो रोना रोते रहेंगे कि पापा ने ये नहीं किया, हमको अच्छे टीचर नहीं मिले, और हमको ये साधन नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। ऐसे ही लोग हैं, वरना साधन कहीं पे ऑब्स्टेकल नहीं है। अगर आप गरीब हैं, मैं अक्सर कहता हूँ, अगर आप गरीब हैं तो आप फर्टाइल लैंड में हैं, टैलेंट हासिल करने के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। अगर आप ठीक ठाक हैं चलेगा, गरीब हैं बेहतर है, और बेहतर है, क्योंकि आप और स्ट्रांग होंगे। सबसे बड़ी चीज है अवेयरनेस लेवल आपका हाई हो, यानी सामने वाले की बात का इंपैक्ट आप पे पड़ना चाहिए। निष्कर्ष में क्या है? आप पे इम्पैक्ट कितना है अच्छी बातों का, यहां से सुन के इधर निकल जाता है या अपने जीवन में उसको लाते हैं। अब मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूं, इल्म यानी एजुकेशन बोलते हैं जिस पे आपका इम्पैक्ट हो आपके जिंदगी पे,
वरना अगर जिस पे आपका इम्पैक्ट नहीं होता वो इन्फॉर्मेशन हो जाता है। आपकी शिक्षा जो आपको दी जा रही है वो शिक्षा नहीं बल्कि वो सूचना हो जाएगी। हर दिन की सूचना आती है कोरोना की, हर दिन की सूचना आती है भाषण की, हर दिन की हर तरह की भारत में सूचनाएं चल रही है, उसी टाइप का सूचना हो जाएगा आपका शिक्षा। शिक्षा का मतलब है आपके जीवन पे प्रभाव। अगर आपके व्यक्तिगत जीवन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो शिक्षा नहीं थी, आपके लिए सिर्फ सूचना थी। और जिसने उससे प्रभावित हुआ और अपनी जिंदगी को बदल दिया, जैसा कहा गया वैसा किया, सही मानों में वही शिक्षित है और उसने इल्म हासिल किया है और वो सही रास्ते पे है और वो अवेयर है। ठीक है, थैंक यू।